फोर रूट थ्री ई की वैल्यू, ये क्वेश्चन है। तो अब जरा देखो, रूट टू प्लस रूट थ्री ये है, तो इसको रेशनलाइज करो, रूट टू प्लस रूट थ्री और माइनस रूट फाइव है। अच्छा जरा देखो, अगर मैं रूट टू और प्लस रूट थ्री और प्लस रूट फाइव लिख दूं तो तब क्या होगा, और ऊपर भी इसे मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आई। इसे मैं एक मान रहा हूं, समझो, रूट टू प्लस रूट थ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने यहां से जैसा ये माइनस है तो इसका प्लस ले लिया, तो ये ए माइनस भी, अब ये क्या बताओ, ए इधर ध्यान दो, ए प्लस भी हो गया भाई, इसको एक मानो, तो ए माइनस भी और ये क्या हो गया, ए प्लस भी, तो बताओ ऊपर कुछ भी चेंज ना करो और नीचे नीचे चेंज करो तो ये क्या लिखा जा सकता है बताओ, इसका स्क्वायर और माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्या, सही है। आगे देखिए, तो नीचे क्या चीज आ जाएगी, देखो अमन इसमें से अपने पेपर निकाल दो, ऊपर क्या बताइए, रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव और नीचे इसका क्या क्या करेंगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होगा, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस टू ए डी है, वही चीज की नहीं, देख लो अब इसका क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर बताओ, दैट इज फाइव, तो ये कितना है बताओ, रूट टू प्लस रूट थ्री और प्लस रूट फाइव है और नीचे क्या क्या आ गया बताओ, क्या ये टू प्लस थ्री आ गया और ये कितना आ गया अरविंद, टू रूट सिक्स और माइनस फाइव, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि फाइव में से फाइव कट जाएगा, तो ये दोनों है ये फाइव ही तो हैं और फाइव में से क्या कट गया, तो नीचे क्या बच गया बताओ, रूट टू प्लस रूट थ्री और प्लस रूट फाइव और नीचे टू रूट सिक्स हो गया, यहां ई है, ठीक है। अब और देखें कि ये जो चीज है अंदर थ्री होना चाहिए, तो तुम रूट टू से और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से, यार देखो उससे क्या होगा, ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई और नीचे भी किससे, रूट टू से, तो ये बताओ कि नोएल नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ही लो, तो ऊपर क्या चीज आ जाएगी, रूट टू से करो, रूट टू में रूट टू का हुआ तो क्या हुआ टू, और यहाँ क्या हुआ बताओ, रूट टू इसमें क्या, और यहाँ क्या हुआ, अच्छा नीचे बताओ टू और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, लेकिन ट्वेल्व को क्या कहा जा सकता है, को सिक्स इंटू टू नहीं कहा जा सकता है, रूट के अंदर टू इंटू टू इंटू थ्री कहा जा सकता है ऐसे, अब टू बाहर आ जाएगा क्या, और वो वही बनेगा जो वहां है, देखो तो e इज इक्वल टू टू प्लस रूट सिक्स प्लस रूट टेन और नीचे टू का जोड़ा बन चुका है, तो क्या टू और इंटू एट टू भी और बाहर आ गया, बोलो सही है, ये चीज समझ में आ गई ना, एट टू बाहर आ गया, सो टू टू क्या हो गया बोलो फोर, तो फोर रूट थ्री इसके साथ ले लें, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन भी अभी बता रहे हैं आपको, तो दैट इज ई इज इक्वल टू टू प्लस रूट सिक्स प्लस रूट टेन अपॉन फोर रूट थ्री, और फोर रूट थ्री इधर ले लो, तो फोर रूट थ्री ई क्या हो गया, टू प्लस रूट सिक्स और प्लस रूट टेन, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो दैट इज टू प्लस रूट सिक्स सी इसका ऑप्शन है, तो सी इज करेक्ट। चलो अब और एक और क्वेश्चन आपने पूछा था जो कि 15 नंबर का है, क्या 14 एक और क्वेश्चन देखा है, हमने क्या क्या ये दिया था, हमने इसको एक मान लिया और a माइनस बी सोचा, तो a माइनस बी को क्या a प्लस बी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके ऐसा रेशनलाइजेशन होता, तो a माइनस बी था तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, ए का स्क्वायर और माइनस, जैसे ए माइनस बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं हो गया, तो ए का स्क्वायर आप लिख लो बगल में, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगाया तो इसका फिर से स्क्वायर करो आइडेंटिटी लगा के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हुआ, और इसका कर दो तो फाइव हुआ, ऊपर तो सिंपली वन से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा, तो बताओ ये टू हुआ ये थ्री हुआ तो क्या ये फाइव से फाइव कट जाएगा, अब नीचे क्या बचा टू रूट सिक्स, बट तुम्हें तो फोर रूट थ्री चाहिए, तो इसके अंदर जो टू फंसा है उसको निकालोगे कैसे, इसको एक और रूट टू सप्लाई कर दो, एक रूट टू तो इसी में ही है, रूट टू है कि नहीं इसके अंदर, एक रूट टू इसको और दे दो, तो फिर ये कितना बन जाएगा रूट ट्वेल्व, अब रूट ट्वेल्व तो टू टू या फोर थ्री या ट्वेल्व यही होता है, वो टू बाहर निकल आएगा, तो फोर रूट थ्री इसके साथ ले लेना, तो फोर रूट थ्री इज इक्वल टू जो बच गया वो ऑप्शन। चलो 14th क्वेश्चन देखें, कहा गया है टू टू दी पावर 3n बाई 8 प्लस 1 प्लस 3 इंटू टू टू दी पावर n बाई n बाई 2 और क्या दिया है प्लस 3 इंटू टू टू दी पावर 2n और बाई 4 ऐसा दिया। अब जरा देखो तो तुम इसे क्या कह सकते हो, क्या ये 2 टू दी पावर n है, इसके बाहर 3 लगा दे तो चल जाएगा, देख लो क्योंकि है वही चीज 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 नहीं हो जाएगा, पावर पर पावर तो मल्टीप्लाई होती है, और 8 को क्या लिख सकते हो बताओ 2 का क्यूब, और फिर ऐसा होगा तो दोनों पे क्यूब लग जाएगा, यहां देखिए प्लस 1 और प्लस 3 इंटू इसे तो 2 टू दी पावर n बाई 2 ही लिखो, लेकिन यहां सोचो क्या हो सकता है 2 की पावर n का और ये 2 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं बताओ 2 की पावर n और बाई 2 की पावर 3, पूरे पे 3 लग जाएगा, जैसे किसी पे a की पावर क्यूब है b की पावर, तो a बाई b की पावर क्यूब नहीं होता है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या है a की पावर n अपॉन b की पावर n, इसे क्या लिखते हो a बाई b की पावर n, यही लगाया है। अब अगला देखो प्लस 1 1 अलग है और प्लस 3 ये ऐड नहीं हो सकते, गॉड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है, ऐसे नहीं कि आप इसे ऐड नहीं कर सकते, तो 1 और प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n बाई 2 इसको भी 8 मानो और किसको क्या मानो 3 इंटू 2 टू द पावर n बाई 2 की पावर 2, इतनी चीज हो गई। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, इसे अगर x माने तो x क्यूब है, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x और प्लस 3 ये x स्क्वायर है, हमने x किसे माना ये बताओ, लेट x क्या है बताइए 2 की पावर n बाई 2 किसे माना, ठीक है। अब जरा देखो अब यहां पर क्या चंदन तुम ही पहचान सकते हो ये किसकी आइडेंटिटी, चलो a प्लस बी के होल क्यूब, फिर से बताओ का तुम इसे लिखो x क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, ये बात समझ आई, और प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू x और प्लस 3 इंटू 1 इंटू x स्क्वायर, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, देखो अभी फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर x प्लस 1 का क्यूब किया जाए तो बोलो क्या होगा, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बात समझ आई, देखो और प्लस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3 a स्क्वायर b, ये चीज समझ में आ गई बताओ, x हमने मान लिया कि ये चीज है, क्योंकि हम उतना बड़ा लोहे लेंगे तो माइंड में उचित सेट नहीं हो पाती है, तो हमने वो सभी में है तो क्यों ना उसे x ले लीजिए, फिर हम फिर से शिफ्ट कर लेंगे, तो आप बोलो उसकी जगह क्या लिख दें, ये किसके है हमारे पास ये हिस्सा तो है ना, बात ही नहीं, तो अब हम क्या लिख दें इसकी जगह
एक्स प्लस वन का होल क्यूब ये लिख दिया, और x की जगह बोलो क्या डाल दें, किसे माना था x? सो 2n और प्लस 1, इसके बाहर क्यूब लगा दो, तो ये क्या 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऊपर चला जाएगा ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इट इज 4913, इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया बताओ, 4913, देन फाइंड n, इसकी वैल्यू दे रहा है कितना, 4913, तो ये चीज लिखो इसके आगे, लिखते रहो 4913 कितना होता है वैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से करिए, 3 से किससे करना चाहिए, अभी तो पता नहीं 3 से जाएगा भी कि नहीं, 5 5 3 8 और 8 9 7 से भी नहीं जा रहा है, 3 5 7 11 से जाएगा, 11 से देखें 44, दैट इज 44, तो 51, तो 44 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से देखें, देख लेता हूँ, 4913 13 41, तो कितना हो गया 101, 13 97 91, तो कितना हो गया 103, 13 से नहीं जा रहा, 15 17 से करो, जा सकता, तो 4913 17 दूनी द 5 1 5 बनाया 17 136, 136 आया, 15 आया 153, 17 से चला गया, तो 17 का ये क्यूब बन जाएगा, देख लो 17 से करो तो 28 और 17 8 136, 17 9 153, सो दैट इज 289 हो गया, और फिर 17 से करो फिर 17 और फिर 17 से करो, बोलो सही है, तो क्या लिख दिया गया इसे 17 का और 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 का क्यूब, तो अगर इनको कंपेयर करें तो क्या अंदर की चीज सेम आ जाएगी, और नहीं तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड तो क्यूब हट जाएगा, स्क्वायर रूट में स्क्वायर हट जाता है कि नहीं, तो क्यूब रूट में क्या हट जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट, तो बोलो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 और वहां कितना आ गया 17, 1 को उधर ले आओ तो क्या आ गया बताइए 17 माइनस 1, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 क्या 16 हो गया, अच्छा ये क्या ये 2 टू द पावर 4 होता है, तो 2 टू इससे n माइनस 1 क्या हो गया कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग तो n कितना आ गया 5, बात समझ आ गई कि दिस इज, ये वाला आपसे नहीं कराएंगे थोड़ा कठिन पड़ रहा है, लेकिन ये तो आप लोगों को कर सकते हो ना, नहीं कर सकते, एक दो और सिंपल से दे दें, ये हटा दें, बुक तो अच्छी थी आप कहाँ से लाए होंगे, किससे, स्कूल में दिए, स्कूल में दिए, देखो दैट इज अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूट फाइव और नीचे क्या है रूट फाइव, ये पूछा गया है कि क्या है, अच्छा चार ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे आप लोगों को जो भी है 5 पे पावर लगानी है, अब यहाँ देखो इसे क्या लिख सकते हैं 5, इसको भी यही लिखो, इसको भी यही लिखो, इसको भी यही लिखो, और अंदर वाले को सोचो इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर, हाँ नीचे भी एक एक करके कम करते जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर, हाँ अच्छा ये बताओ इसको तो लिख लिया है, और हाफ और वन पावर अगर है तो क्या होगा बताओ, यानी 5 की पावर 1 और 5 की पावर हाफ, तो क्या इनकी पावर एड हो जाती है, ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाता है क्या, बोलो ऐसा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा दैट इज रूट 5
रूट फाइव और अंदर करो, रूट में रहने दो लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, फाइव की पावर थ्री बाई टू। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है बताओ, वन एंड हाफ कितना होता है, एलसीएम ले लो वन और हाफ का, तो वन प्लस हाफ कितना होता है थ्री बाई टू, वन एंड हाफ ना, तो ये चीज आ गई थ्री बाई टू। और नीचे भी क्या होगा बताओ इसी तरीके से, तो रूट फाइव और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, फाइव वन प्लस हाफ हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा। अच्छा अब ये जो हाफ पावर है क्या इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो रूट एक फाइव दो फाइव और तीन, तो फाइव लिख लो, इस वाले रूट को हटा दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, फाइव की पावर थ्री बाई टू पहले थी और एक हाफ और चढ़ गया, चढ़ जाएगा कि नहीं ये रूट। और नीचे बताओ फाइव की पावर थ्री बाई टू थी, अगर ये रूट हटा दिया तो क्या ऊपर हाफ चढ़ जाएगा, बाहर आ फाइव, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो वापस समझो कि दैट इज, चलो कोई बात नहीं, हमें ये वैल्यू चाहिए एक्स की, तो इसे एक्स ले लो, ये हटाओ क्योंकि झंझटी चीजों के अंदर स्क्वायरिंग, तो इधर क्या करो, अगर इधर स्क्वायर करोगे तुम्हें एक्स चाहिए, एक्स पता चल जाए तो ऑप्शन पता चल जाए, इसी को तो एक्स माना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहां से आ जाओ, इधर से रूट निकालना शुरू करो, तो ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, तो क्या बाहर हाफ बन जाएगा, फाइव नहीं रहने दो, और रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव और रूट फाइव, एक फाइव बाहर निकाल दिया और नीचे का भी एक फाइव बाहर निकाल दिया, बोलो ये सही लग रहा है, और हाफ यहां लगा दिया, यानी ऊपर में से हमने क्या क्या बताइए कि पूरे पे रूट है नीचे भी, तो ऊपर हाफ था और नीचे इस वाले पे हाफ था कि नहीं समझ आएगा, रूट कॉमन देख लो, जैसे हमारे पास क्या है फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव और रूट फाइव, अब इन सभी पे ये हाफ लिख सकते हो कि नहीं, रूट हटाया और नीचे भी फाइव रूट फाइव रूट फाइव, तो इस पे भी हाफ लिख सकते हो कि नहीं, बोलो रूट हटाओगे तो क्या बन जाता है, कोई भी रूट होगा तो हाफ होगा, और इन दोनों पे अब हाफ लिख दो, तो फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव और रूट फाइव, तो यहां पर ऊपर और नीचे हाफ हो जाएगा, इससे क्या होगा बताओ, क्या ये कट जाएंगे, ये ज्यादा आसान है कि नहीं। और अब चला देखो, जब तुमने कुछ अभी नहीं किया, राइट में एक्स ही बचा हुआ है सही कि नहीं, एक्स हो या ना, अब इसमें फिर से क्या करो, एक हाफ और चढ़ा दो, इस पे क्या चढ़ा दीजिए, बाहर हाफ तो है लेकिन एक हाफ और चढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, इस फाइव को ओपन कर लो, इसको भी ओपन करो जरा, तो एक हाफ ये और सबसे बाहर भी एक हाफ है क्या, अच्छा अब एक और फाइव कट गया क्या, चलो और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, तो अब लेकिन तब तक मैंने एक हाफ और भी खोल दिया है, अब बताओ तब तक मैं एक हाफ और भी खोल चुका था अंदर नहीं, और ऊपर क्या बन चुका था बताइए, दोनों का प्रोडक्ट वन बाई फोर, तो यहां तक पहुंच चुके हो और ये कट चुके हैं क्या, अच्छा अब देखो तुम्हारे पास ये बचा है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, लो नोएल ने बता दिया सर इसको वन अपॉन एट आप लिख दो, लेकिन मेरी तरफ से आप एक और खोल दो, तो ठीक है इनकी भी बात मानी गई वन बाई एट सही है, तो अब लेकिन ये फाइव है और ये रूट फाइव है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, फाइव रूट फाइव को फाइव इंटू फाइव की पावर हाफ लिख सकते हो क्या, बोलो और बाहर में क्या तब तक वन अपॉन सिक्सटीन हो चुका है, अब फाइव एंड फाइव की पावर हाफ क्या होता है, क्या वन प्लस हाफ होगा, बोलो और बाहर कितना है वन बाई सिक्सटीन, और वन प्लस हाफ का जरा एलसीएम तो ले लो, तो 2
टू और प्लस वन दैट इज, तो 5 की पावर 3 बाई 2 और बाहर कितना है, तो इनको मल्टीप्लाई करो 3 अपॉन 32 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए, जैसा कि अरविंद ने लगा दे रखा है, तो ए इज करेक्ट। ओके अब जरा देखो, ओके नोट कर लो। समझ में आ गया ना तुम लोग, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा करते हैं, इसको नोट करो। ये लीजिए और कल पूछ लीजिए आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बुक का, ये ना मिटा और फिर हम लिखेंगे काम कुछ भी मिटा नहीं दे रही है। चलो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, आंखों में वो नहीं लगा है वो जैसे सांप लोगों के होता है। एक कॉर्न कॉब है, ये देखो ऐसा एक कॉर्न कॉब है, भुट्टा होता है कि नहीं, वो कौन शेप में है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने दाने हैं, जबकि ये बता दिया गया है इस कॉर्न कॉब में कितने दाने हैं पर स्क्वायर इंच में कितने दाने हैं, 4, तो बोला जा रहा है कि इसमें कितने दाने होंगे इफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, पर स्क्वायर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसमें 4 दाने आते हैं। तो अब भुट्टे को हम लोग पूरा खा लेते हैं लेकिन नीचे से नहीं खाते, नीचे दाने नहीं होते, तो हमें इसका सी एस ए चाहिए कि इसमें कर्व सरफेस एरिया कितना है, जबकि इसके डायमेंशन क्या क्या दिए हैं, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और जो ब्रॉडेस्ट एंड है वो 2.1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट देखो 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और ये कितना है बताइए 2.1 सेंटीमीटर। तो त्रिशु इसके कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, कोण के पाई आर एल, तो अभी हमारे पास एल नहीं है, हमारे पास इसका h दिया हुआ है और क्या दिया बताइए, r दिया हुआ है, so let us find l, l is equals to root h square plus, ये दोनों निकालो 20 का square plus 2.1, इसको समझ लो, इसको बाद में नोट कर लेना, आपको ज्यादा ये चीज समझना जरूरी, ठीक है, आपको पीडीएफ तो भेज ही देंगे। 20 का स्क्वायर तो 409, इसका मुझे पता नहीं चल रहा, बताओ जरा। हाँ मैम 441 होता है लेकिन इसमें भी एक डेसिमल और इनटू में भी एक डेसिमल आएगा, तो दो डिजिट पहले आ जाएगा कि नहीं, तो 4.41, तो इट इज रूट 404.41। अब हमें इसका रूट निकालना है, ऐसा करते हैं यहाँ निकाल लेते हैं, है ना, चलिए इसको कैसे निकालें, रूट देखो 404.41 डेसिमल के इधर इधर जोड़े बनाओ और इधर पर यहां से जोड़े बनाओ, जरा शुरू करो बनाना, एक जोड़ा ये खाली बच गया और इधर तो जोड़ा बन ही गया, समझ में आ गई बात कि नहीं,
डेसिमल के इधर इधर से जोड़े बनाओ और डेसिमल के इधर इधर से, समझ में आ गई बात। अब देखो तो हमारे पास ये अकेला बच गया फोर, इस ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि फोर से ज्यादा ना हो, तो टू टू इज फोर। अब जीरो फोर है, इसको इसके नीचे लिखो कितना आ गया। तो अभी अभी तुमने दो डिजिट उतारे हैं क्या, दो डिजिट उतारे। अब बताओ ये तो जाएगा नहीं, जीरो बार ही जाएगा, तो 40 जीरो जा जीरो। अब आपको अगले दो डिजिट उतारने का अधिकार है, लेकिन चूंकि वो डेसिमल के बाद है तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। अच्छा तब तक ये जीरो इसके नीचे लिख दिया तो कितना आ गया 40। अब क्या लिखें कि ये वही चीज आ जाए, तो 401 बन जा 401। अब कितना बच गया 40, उस 1 को भी इसके नीचे लिख दो, अब कितना आ गया 402। तब तक दो जीरो और लिख सकते हैं, वास्तव में इसे 2 लिखा जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है, 22 ही तो ज्यादा है, उतना तो राउंड ऑफ में चला जाता नहीं, तो इसलिए इसको क्या लिख दें 4022, क्योंकि अप्रोक्सीमेट तो आगे करती ही होगी, नहीं करती हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 20.12। बुक में कितना आ रहा है, ठीक है वो उन्होंने अप्रोक्सीमेट, अगर आगे आप करोगे उन्होंने 11 में लिया है कि भाई ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है ठीक है 20.21 नहीं 1 ही होना चाहिए, 2 में तो ज्यादा चला जाएगा क्योंकि 40211 या 4021 ना, 2 बार तो ले भी नहीं सकते हैं, नहीं तो 2 बार तो करने पे तो 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 1 बार ही ले सकते हैं, तो 20.11 आ गया। So this is 20.11 सेंटीमीटर। अब जैसा कि त्रिशु ने बताया इसका सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है, तो 22/7 इंटू 2.1 और इंटू 20.117 से 7 ये कट गया तो 0.3। ये दिशिता समझ में आया, क्योंकि डेसिमल के बाद कर लीजिए टू यूज करो तो आ जाएगा, और 22/3 जा 66, तो 6.6 इंटू 20.11, इसको मल्टीप्लाई करो और पता करो कि कितने कितना आ रहा है इसका कर्व सरफेस। टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल्स टू सी एस ए इंटू ग्रेन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो इसमें कितने ग्रेन्स हैं, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका एरिया है, और 4 ग्रेन्स हैं, किसमें 4 ग्रेन्स हैं क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 ग्रेन्स पर सेंटीमीटर अभी लिखा है कि नहीं, 4 ग्रेन्स है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किससे कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो तो पता चल जाएगा कितने ग्रेन्स हैं, 24 4 × 10 4 × 10 मतलब तुम ये मान सकते हो तुम्हें 531 ग्रेन्स, 0.9 है तो समझो 1 ग्रेन का तो आनंद मिल ही सकता है, दैट इज 531 ग्रेन अप्रॉक्स। ओके नाउ अगला देखिए, एक एट क्वेश्चन एक्सरसाइज और देख लेते हैं कि एक बैरिकेड है और इस तरीके के बहुत सारे बैरिकेड हैं, तो उनको हमें पेंट करना है, तो एक का सी एस ए निकालो, जबकि एट क्वेश्चन इसी का ही है, 50 हॉलो हैं, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कर लिया एक बार और बता दें थोड़ा सा ऐसे जिस्ट में बता दें, तो 40 है और हाइट कितनी है 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर इसका डाया है, तो बोलो रेडियस कितना हो गया
दैट इज 40 बाय 2 तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 से डिवाइड करो तो बोलो इसका सी एस ए क्या हुआ सी एस ए ऑफ वन कोन पाई आर एल पाई की वैल्यू है 3.14 आर है 0.2 और एल है एल नहीं निकाला है एल निकाल लो तो एल क्या होगा बताओ रूट एच स्क्वायर एच कितना है 1 मीटर और ये 0.2 का स्क्वायर 0.0 तो 1 प्लस 0.0 तो ये कितना हो गया 1.04 का कितना दिया है 1.02 तो कितने मीटर ले लें तो यहाँ कितना लिख दिया जाए बताइए पाई आर एल में 3.14 आर की जगह ले लीजिए 0.2 और ये 1.02 ये तो एक कोण का हो गया तो 50 कोण का कितना हुआ तो सी एस ए ऑफ 50 कोण इट इज इक्वल टू 3.12 में 0.2 का मल्टीप्लाई करो प्लस बोलो कितना आएगा 0.628 और इनटू 1.02 50 कोण है तो 50 से और मल्टीप्लाई करो सही है और बोलो अब इनका कॉस्ट क्या होगा रेट इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ 50 कोण इनटू रेट ये अब जो भी आया हो इसको तुम्हें करना पड़ेगा ये तो मुझे मालूम नहीं था कितना है पिछली बार कितना आया था पिछली बार 378 आया था 3.34 नहीं ये कितना आया था ये तो कम आया होगा अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी ये करो यहीं पे गड़बड़ी हुई है हेलो चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करो जब पता चलेगा तुम ही चंदन मल्टीप्लाई करो तुम फास्ट कर लेते हो 32.028 है ना यही गलती हुई है हाँ सर यही गलती हुई थी सर अभी और इनटू रेट डाल दीजिए रुपीस देखो इतने मीटर स्क्वायर है अब अगला देखो सर मैं अप्रोक्सिमेट देखता हूँ कोई बात नहीं अब जरा देखिए कि स्फीयर के बारे में हमने कुछ बताया अभी कि नहीं चलो तो स्फीयर बात ना करो स्फीयर इज ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट इट्स सेंटर उसके सेंटर में जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे क्या किसी बॉल के सारे पॉइंट्स जो उसके सरफेस पर है वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे तो एक ये थ्री डायमेंशनल सरफेस है स्फीयर क्या है इट इज
So it is three dimensional solid. मेरा कहने का मतलब है स्फीयर कुछ कुछ इस तरीके से है, ये एक बॉल है और ये उसकी छाया है। तो यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है कि नहीं, तो ये थ्री डायमेंशनल सॉलिड। सो थ्री डायमेंशनल सॉलिड इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, जहां पर इसके सभी पॉइंट जो सरफेस पर हैं वो On its surface are at fixed distance from a fixed point. और उस fixed point को क्या कहा जाएगा? Center. That is center. अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक कोई बड़ी सी बॉल हो, ठीक है, और अगर उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है ये बॉल, तो आप क्या करिए कि इस बॉल पर सरफेस एरिया निकालने के लिए चार इसी के साइज के सर्कल ले लीजिए। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है और सर्कल लेने के बाद क्या करो, मान लीजिए इसी के साइज की कोई बॉल हो तो हमने ऐसे चार सर्कल ले लिए, ठीक है, और हर सर्कल पर हम ऐसे चार सर्कल ले लिए और हर सर्कल पर तुम एक रस्सी लो और रस्सी चिपका लो या ऐसे ऐसे करके रस्सी इसके ऊपर रखते चले जाओ। चार सर्कल नहीं, ये रस्सी इसके ऊपर रख ली, यहाँ कट कर दो, या कट ना करो तो उसी के बगल में दूसरे सर्कल पर भी लगाओ, दूसरे पे लगा लो और फिर तीसरे पे लगा लो, ऐसे पास पास रस्सी रख रख के घुमाते चले जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सर्कल है तो आपको ऐसे करना है, ये रस्सी है तो बहुत ज्यादा नहीं, तीन चार लोगों को ही बस ये मारी है, तो ग्रुप फायदा उठा लेते हैं, रखी रहती है। तो ये देखो इसको आपको क्या करना है, देखिए इसको आप लोगों को ये जैसे रख दिया तो यहाँ पर बस ऐसे रखना और घुमाते जाना है, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज करना, यही आपके बुक में भी बना हुआ है क्या? तो ऐसे घुमाना है, तो ये पूरा जब कवर हो जाए तो उसके बाद क्या करोगे, फिर दूसरे में घुमाओ, तो ये ऐसे घुमाते चले गए। तो ये किसी के लिए भी बहुत आसान है, आसानी से घूम रही, तो ऐसे घुमा लो, आपको काटना नहीं चिपकाना नहीं है। तो जब ये पूरी एक एक हमारा सर्कल हो गया, अब इसके बगल में दूसरे में रखो, उसमें घुमाना शुरू कर, भाई एक तो हो गया ना। जो तुम ऐसा करोगे फिर उस पूरी चारों रस्सी को एक साथ करके इस बॉल पे घुमाना शुरू कर, चारों रस्सी को जोड़ लो, लेकिन एक ही रस्सी को चारों को घुमाना। हाँ, अब इस रस्सी को सबको जोड़ लो, आपस में बांध दो धागे से और यहां से ऐसे घुमाओ। बॉल पे कैसे घुमाओगे, कैसे घुमाओगे, तो तुम देखोगे जब तुम्हारी चौथी रस्सी का अंतिम छोर होगा तो इसका आखिरी सरफेस होगा, ये पूरी बॉल कवर कर चुकी होगी। और इतना भी नहीं करना चाहते हो तो चार पेज लो और इसी साइज की लामा कह दो, भाई मुझे बॉल दे दो इसी साइज की, और उस पर ये चार पेज चिपकाओ, तुम्हारी पूरी बॉल कवर हो चुकी हो। रस्सी नहीं किसी किसी के घर में, माँ बाप ने हटा दी है तो फिर रस्सी के इसमें क्या करेंगे। तो चार पेपर लो, जिस जैसी बॉल लेके आया जिस रेडियस की उस पर चार पेपर चिपकाने की कोशिश करो, पूरी चिपक जाए। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या पता चलता है बताओ, एक का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे का पाई आर स्क्वायर, चौथे का, तो इसका कितना हुआ? सो बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ? दैट इज कर्व, टोटल ही होगा, यही टोटल है, एक ही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर। और टी एस ए क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास हेमी स्पीयर है तो क्या करोगे? हेमी मतलब अर्धगोला,
ये देख लो, ये हुआ स्फीयर और ये हुआ हेमिस्फीयर, तो ये चीज है, इसी का हाफ पोर्शन। नीचे एक बेस, ये बेस है और ये है तो गिर जाएगा। हाँ अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ। अब अगला देखें तो हेमी स्फीयर का फेस लो। हेमी का मतलब हाफ और स्फीयर, सो ऐसा होगा हेमी स्फीयर। तो इसके इसका अगर रेडियस r है तो बताओ इसका प्लेन सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr। अरे सरकमफेरेंस बता रहे हैं सर, एक्स्ट्रा बता रहे हो। हां सर, अच्छा एरिया सर मैं पाई r स्क्वायर अभी तो यहां बताया, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई r स्क्वायर सर तो वो एक्स्ट्रा बता रहा है। नहीं वो सिर्फ एक रस्सी सोच रहे हैं, यहां लगाओ। अरे उसमें वो सरकमफेरेंस है, ये चीज हो गई। अच्छा बताओ अगर मैं आधा गोला कवर करूं तो कितनी रस्सी लगेगी, कितना है यार भाई? 4πr² पूरे का है, कर्व हाफ कर दो तो इसका दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फिर नोएल टोटल सरफेस एरिया 3πr, दैट इज ये तो 2πr + πr। तो लिखो TSA इज इक्वल्स टू CSA और प्लस PSA। PSA का क्या मतलब हुआ? प्लेन सरफेस एरिया। तो ये हुआ 2πr² और ये तो कितना हो गया 3πr² अच्छा अब इसी में अगली एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर तुम्हें ये दो चीजें समझ में आ गई हैं तो काम बन जाएगा। सिर्फ मैं आपसे 3π² पूछना चाहता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अब इतनी बात हो गई। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पूछा गया है, सी एस ए ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया, टी एस ए पूछा गया, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो टी एस ए कितना होता है उत्तर स्फीयर का? 4πr² तो 4 × 22/7 और × 7 × 7, 7 से 7 कट गया और ये क्या 88 है, 88 इंटू 7 करो 616 cm². अब आपको हेमी स्फीयर में यही काम करना है, हेमी स्फीयर का CSA भी निकालना है और हेमी स्फीयर का TSA भी निकालना है। एग्जाम्पल 5 तो सी एस ए पहले निकालो 2πr² 2 × 22/7 क्या रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर 21 × 21 3 आ गया तो 22 × 44 में 21 का मल्टीप्लाई करो 3 × 22/7 × 21 × 21 तो ये कितना हो जाएगा
आपको एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है और सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है दूसरे नंबर के क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन करना है कितना करना है ये होता है तो वैसा ही यहाँ पे बताया हॉलो स्फीयर है जिसमें एक साइक्लिस्ट को परफॉर्म करना है तो ये जालीदार कुआं है और इसी में साइक्लिस्ट चलता है ऐसे बना हुआ कुआं और इसी में गेट भी है उसी के अंदर मोटरसाइकिल को चलाना है ठीक है नाउ तो उसके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है ये पूछा जा रहा है ना तो हाउ मच स्पेसेस तो बहुत आसान है इसमें क्या चीज दे दी गई है डायामीटर 7 मीटर है सो रेडियस निकाल दो और कर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो दैट इज 7/2 लेते हैं हाँ 7/2 ले लेते हैं और फिर टी एस ए इज 4 pi आर स्क्वायर और वैल्यू निकाल दो इसी में प्लेस कर तो ये मौत का कुआं टाइप है इसमें घूमता रहता है चलाते कैसे हैं तो ये देख लीजिए वो जैसे तुम क्या करो बकेट में पानी ले लो और इसको घुमाओ बड़ी तेजी से तो तुम्हारा पानी नहीं गिरेगा एक इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है यानी वो चीज कोई भी चीज होती है तो अगर तुम किसी एक ऐसे व्हील में घूमो तो तुमको कोई बोलता है इसको जोर से पकड़े रहो नहीं तो सब बच्चे छिटक जाएंगे बाहर ही जाने कर एक सीढ़ी में तुम बहुत सारे चावल रख दो सीढ़ी घुमाना शुरू कर दो तो वो चावल कहाँ भागना चाहता है बाहर की ओर भागना चाहता है कि बिखर नहीं जाता तो उसी तरीके से ये अगर वो चला रहा है तो एक चीज जो उसे बाहर फेंक रही है तो वो उसके कॉन्टेक्ट में बना रहा और तुम कभी भी अगर रस्सी बड़ी तेजी से घुमाओगे तुम्हें हाथ में फोर्स लग रहा है यानी कोई चीज बाहर भागना चाहती है कि नहीं That is the force. तो उसको कांटेक्ट बनाए रखता है नाउ कितना आ गया कैलकुलेट किया तो हाउ मच एरिया इज अवेलेबल फॉर ठीक है तो ये कट गया टू से ये कट गया इस टू से हाँ 22 into 7 154 cm² इसमें क्या दिया गया है एक डोम है और उसकी व्हाइट वॉशिंग करनी तो डोम किसके ऊपर बना है ऐसा डोम बना हुआ है एक कोई सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल घर है जिसमें ये डोम बना हुआ है तो हमें डोम की पुताई करवानी है तो डोम का आपको इनर कर्व सरफेस एरिया लेना बाकी तो खुला ही हुआ है और फिर उसका रेट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू एरिया करना ठीक है कि नहीं तो कितना दिया है बताइए दैट इज सरकमफेरेंस दिए डोम की 17.6 सरकमफेरेंस जैसा कि उत्कर्ष कहा भी करते हैं सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 pi r होती है तो ये कितनी दी है 17.6 मीटर तो 2 into 22/7 into r इससे r निकालो
आर निकल जाए तो सी ऐसे निकालो, करो पेज खोलो, ये तो दे दो मूट, अगर नहीं तो हाथ से कर लो। अच्छा अच्छा, हेडेक ठंडक लग रही क्या? आजकल मौसम वैसा चल रहा है ना थोड़ा। चल तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे ऊपर वाले इसमें एक बाइकर चला रहा है, जालीदार ऐसा नहीं देखा है तुमने मेले में, तो अभी यहाँ दिखा देते हैं कि मौत का कुआं क्या होता है, कि कैसे साइक्लिस्ट परफॉर्म करता है। तो कार में नहीं, इसमें देखो मौत का कुआं, मौत का कुआं ये देखिए, तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा होगा ओके ओके। नाउ जस्ट पे अटेंशन, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया कि इसका डायमीटर दिया है, फिर हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, और टोटल सरफेस एरिया उसके लिए कितना अवेलेबल है, तो दैट इज 4πr² से इसकी वैल्यू निकाल ली, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इसके हेमिस्फेरिकल पार्ट को हमको पेंट करना है, और डायमीटर कितना दिया है बताओ, डायमीटर नहीं दिया है, इसके सर्कमफेरेंस दिए, तो क्या सर्कमफेरेंस से रेडियस आ जाएगा, रेडियस निकालो 17.6 × 7 और 2 × 22 ये 11 से हमने कट किया चंदन, कितना आएगा 1.6 और ये 2 आ गया, 2 से इसको कट करो 0.8, फिर 2 से कट करो 0.4 और उधर सिर्फ r बचा है, तो r की वैल्यू अभी कितनी आ गई 2.8 जब 2.8 है तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है हेमिस्फीयर का, त्रिशु इसके कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ, हाँ बताइए नोएल, सो सी एस ए दिस इज मीटर, सो सी एस ए इज इक्वल टू 2π आर स्क्वायर, सो 2 × 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है
2.8 इंटू 2.8 7 से ये कट गया, देवी का कितना आएगा बताती नहीं है। 4 कहां से आ जाएगा, डेसिमल के बाद कभी डिजिट यूज करिए 4 भी, जब डेसिमल के बाद तो डेसिमल बोलो। अच्छा अब ये बताओ ये 44 इंटू 0.4 कितना होता है ये बता दो। सुहाना 17.6 ये तो फाइनल रिजल्ट बताएंगे नोएल से। 0.88 आएगा नहीं वो क्या बताया तुमने 49.28 मीटर स्क्वायर। ये तो बात हो गई कि इतना तो एरिया है, अब हमें चाहिए कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है, रेट इनटू एरिया से निकालो। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया, और रेट क्या है बताओ 500 per 100 centimeter square। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और ये किसमें दिया है तो एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। देखो यहाँ पर 49.28 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, 40 है ना, 4, क्योंकि 100 एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बोलो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, क्या 1 मीटर इनटू 1 मीटर, और 1 मीटर को क्या कहते हो 10 सेंटीमीटर, तो फिर कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं इतने से तो 2 डेसिमल तो यहीं हट जाएंगे और 2 जीरो भी बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा बताओ ₹5। अब जीरो आप नीचे से हटा वो हम हटा देंगे, तो लिखो 49.28 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये सही है। अब जरा देखें, दो जीरो से हटा दो और ये 500 हो गया, और ये 2 डेसिमल से ये हट गया, तो 26,600। तो 5 इंटू 4928, जैसा चंदन ने बताया 24,640 इतना हो गया बुक के हिसाब से। ट्राई करो इतना ही रखिए। ये लो ओके।